गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू लेसन नंबर 10, रहीम के दोहे, पार्ट 2, द कंटिन्यूइंग पार्ट। दिस फोर नंबर पंक्ति 4, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात कवि रहीम ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि श्रेष्ठ चरित्र जो रहीम उत्तम प्रकृति मीन्स श्रेष्ठ चरित्र के लोग यदि बुरे लोगों के संपर्क में कुशंग मीन्स अगर बुरे लोगों के संपर्क में आते हैं तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करते, अपने गुण का त्याग नहीं करते। जितने भी कुशंग में पड़ने से भी अपना जो गुण रहता है वो गुण को कभी भी त्याग नहीं करते। कवि ने उदाहरण देते हुए कहे हैं कि जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, चंदन वृक्ष जो है जो कि उसके चारों ओर सर्वदा क्या होता है ना, सर्प लिपटे हुए रहते हैं। चंदन वृक्ष सबसे कीमती वृक्ष है और क्या है, चारों ओर विषधर सर्प रहते हैं, फिर भी क्या चंदन वृक्ष अपना गुण का परित्याग करता है? नहीं। चंदन वृक्ष का जो गुण है, जो शीतलता गुण है, जो सुगंधित गुण चारों ओर व्याप्त कराता है, उसका गुण को वो क्या परित्याग नहीं करता। तो इसी तरह सज्जन व्यक्ति कुसंगति में पड़ने से भी अपना गुण को परित्याग नहीं करते। कंप्लीट। देन नेक्स्ट नंबर 5, वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी संग, बांटन वारे को लगे ज्यो मेहंदी को रंग। अर्थात कवि रहीम ये कहना चाहते हैं कि जो वे रहीम नर धन्य है वो मनुष्य धन्य है जो कि पर उपकारी संग, वो क्या परोपकारी जो कि व्यक्ति है, दूसरों का उपकार करने वाले व्यक्तियों को कवि ने प्रशंसा का पात्र कहा है। जो व्यक्ति वो व्यक्ति धन्य है जो दूसरों का उपकार करता है, जो दूसरों को सहायता करता है। उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि जिस प्रकार मेहंदी पीसने वाले के हाथों में, मेहंदी पत्ता है तुम लोग को, मेहंदी के पत्ता को जब पीसते हैं तो हाथ में क्या होता है ना, लाल रंग, पूरा हाथ लाल रंग हो जाता है। तो मेहंदी पीसने वाले के हाथों में बिना प्रयत्न किए हुए भी मेहंदी का रंग आ जाता है। मेहंदी जो आदमी पीसा है उसका वो क्या चाह रहा था कि मेरा हाथ लाल हो? नहीं, वो अपने आप पीसते हुए उसका वो लाल हो जाता है। तो उसी प्रकार परोपकार करने वालों का बिना मांगे ही सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। जो परोपकार करते हैं वो कभी नहीं बोलते कि हम परोपकार किए, मुझे तुम्हें सम्मान दो, मुझे तुम्हें प्रतिष्ठा, मेरा प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गया है, मुझे तुम चारों ओर मेरा प्रशंसित प्रशंसा करो, ऐसे नहीं, अपने आप उसका गुण क्या होता है, फैलता रहता है। ओके, क्यों ना वो परोपकार किए हैं तो इसीलिए सब उनको सम्मान देते हैं। सम्मान मांग के हम पूरा नहीं करते, सम्मान इंसान हमें देते हैं। कब देते हैं? अगर हम उस तरह से काम किए हैं तब हम सम्मान पाने के लायक हैं। ओके, देन नेक्स्ट नंबर 6, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गयो, सुनी अठले लोग सब बांटना लोहे कोए। क्या है, कवि रहीम यह कहते हैं कि दुख या विपत्ति निज मन की व्यथा, दुख या विपत्ति पड़ने पर व्यक्ति को उसका सामना अकेले ही करना पड़ता है। जब कुछ जीवन में विपत्ति पड़ता है या दुख आता है तो सामना कौन करेगा? क्या हम आस पास पड़ोसी करेंगे? नहीं, हमें ही इसका सामना करना पड़ता है। लोगों से कहने पर वो क्या करेंगे, उसे सुन तो लेते हैं पर क्या करते हैं, दुख कोई बांट नहीं सकता, वो दुख बांटते नहीं है, उन्हें विपत्ति का सामना भी अकेले ही करना पड़ता है।
सुनी अठले ये लोग सब बांट न लहे कोई, सब तो सुनते हैं कोई उसका दुख को बांट नहीं लेते हैं। तो दुख का सामना कौन करेगा? ना उस विपत्ति का, उस दुख का सामना वही इंसान करेगा जिसका ऊपर पड़ा है। तो उस इंसान अगर दूसरे के सामने बांटेगा तो कभी वो उपहास का पात्र बन सकता है। तो इसीलिए किसी के सामने बांटना अनिवार्य है, बांटना नहीं चाहिए। दुख को बांटने से नहीं हल्का होंगे, हम क्या करेंगे उस विपत्ति का सामना करने के लिए तत्पर रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। दृढ़ प्रदक्षिप लेके हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और उसका मुकाबला करके हम क्या उसमें से जययुक्त भी होंगे, विजय भी हासिल करेंगे। आया समझ में? कंप्लीट दिस रहीम के दोहे चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो आई विल से दिस चैप्टर एक्सरसाइज। थैंक यू।